देखिए आईटी के अंतर्गत आपका दूसरा जो पार्ट होता है उस वाले पार्ट को आपका कहा गया है कौन सा, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए समझिए संचार तकनीक क्या होती है। देखिए आईटी के अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करके सूचना की प्राप्ति, हमारे पास में अलग अलग सूचनाएं हमें मिल गई, तो इन सभी सूचनाओं को अब हमें लेन देन करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेन देन करना होता है। तो जब भी किसी भी प्रकार की सूचना के लेन देन की बात होती है तो उसे हम संचार तकनीक के नाम से जानते हैं। अब देखिए संचार तकनीक जो होती है वो या तो वायर बेस किसी तार के पे आधारित होती है, जैसे अलग अलग तरह की केबल होती है उसके आधार पर हो सकती है, या फिर अगर बात करें संचार जो तकनीक है वायरलेस हो सकती है, जो किसी भी तरह की वायरलेस तकनीक पर भी आधारित हो सकती है। तो लेकिन यहाँ पे ये जो तकनीक होती है ये तो एक माध्यम था, लेकिन जितनी भी डिवाइस हम किसी भी पर्टिकुलर डेटा संचार के लिए काम में लेते हैं उन्हें एक माध्यम से जोड़ा जाता है जिसे हम कहते हैं नेटवर्क। तो संचार तकनीक में जो सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो आपका होता है नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या होता है कि दो या दो से अधिक किसी भी डिवाइस को डेटा संचार या उपलब्ध संसाधनों को परस्पर आपस में प्रयोग में लेने के लिए जोड़ा जाए तो उसे क्या कहा जाता है, नेटवर्क कहते हैं, जुड़ाव कहते हैं। ठीक है, जैसे देखा वो कंप्यूटर जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, इससे फायदा ये होता है कि आपको संचार करना आसान हो जाता है या जो भी हमारे पास संसाधन होते हैं उन्हें आपस में शेयर करना भी आसान हो जाता है। जैसे आजकल आपने देखा होगा अलग अलग तरह के सर्वर उपलब्ध होते हैं नेटवर्क पे जो किसी भी तरह की सर्विस को प्रदान करने का कार्य करता है, जैसे वेब संबंधित सर्विस तो वेब सर्वर आ जाता है, मेलिंग संबंधित सर्विस तो मेलिंग सर्वर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी जो आपकी फाइल संबंधित सर्विस होती है तो फाइल सर्वर आ जाता है। तो जिसके माध्यम से हमें सर्विस मिलती है वो एक सर्वर कहलाता है और जिस डिवाइस के माध्यम से हम कोई भी सर्विस काम में लेते हैं वो क्या कहलाता है, क्लाइंट कहलाता है। अब देखिए नेटवर्क की जो कहानी आती है उस नेटवर्क की कहानी को मेनली इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, PAN या फिर LAN या फिर MAN या फिर WAN। देखिए PAN का जो मतलब होता है वो कौन सा होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। दूसरा जो पार्ट आपका गिवन है उसे कहा जाता है कौन सा, लोकल एरिया नेटवर्क। और अगला जो पार्ट आपका गिवन है उस पार्ट को कहा जाता है कौन सा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। और चौथा जो पार्ट आपका आता है जिसे कहा जाता है वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। देखिए ये जो नेटवर्क का क्लासिफिकेशन किया गया वो किसी भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर होता है, मतलब एरिया जो हम काम में लेते हैं उसके आधार पर। तो सबसे सीमित क्षेत्र का जो नेटवर्क होता है उस नेटवर्क को पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हम एक वायरलेस नेटवर्क काम में लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लूटूथ, जो कि बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काम में लिया जाता है। यहाँ पे जब भी किसी भी बाउंड्री या स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क की बात होती है तो उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। आपने देखा वो कभी कभी बिल्डिंग में एक नेटवर्क बना होता है, घर में नेटवर्क बना होता है, किसी डिपार्टमेंट का नेटवर्क होता है तो एक बाउंड्री में होता है जिसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसका जो भी एरिया होता है वो बहुत ही कम होता है, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा किसका, वाईफाई, जिसे हम कहते हैं वायरलेस फिडिलिटी। तो वाईफाई की फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि वायरलेस फिडिलिटी क्या होता है। अब जब किसी भी पर्टिकुलर एक शहर की बात होती है, बड़ा शहर होता है, ठीक है, जो किलोमीटर में बसा होता है, तो उस शहर के अंतर्गत जो नेटवर्क काम में लिया जाता है उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी भी टीवी, केबल टीवी नेटवर्क, जो केबल टीवी का जो नेटवर्क होता है वो सीमित होता है किसी शहर के अंतर्गत।
जो आप किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र की बात होती है, जो एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जहाँ हम बहुत सारे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने की बात करते हैं, उस नेटवर्क को वैन कहते हैं। और उस वैन का जैसे एग्जांपल आपका कौन सा हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है। देखिए, इंटरनेट जो हम काम में लेते हैं वो अपने आप में एक विश्व स्तर का नेटवर्क कहलाता है, और इस नेटवर्क का प्रयोग विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे एक कंप्यूटर के माध्यम से हम किसी भी तरह का ग्लोबल संचार संभव बना सके। अब ये इंटरनेट से संबंधित कुछ आपके वर्ड जो होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे समझिए। अब ये इंटरनेट जो पार्ट है, इंटरनेट की कहानी भारत में कब शुरू, तो इंटरनेट की कहानी मानी जाती है कि 14 अगस्त 1995 के अंतर्गत भारत में पहली बार इंटरनेट सेवा लागू की गई, और वो लागू करने वाला VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड था। लेकिन सर VSNL होता है क्या है? देखिए, जब भी इंटरनेट संबंधित कोई भी सर्विस हम काम में लेते हैं, ये सर्विस हमें एक सर्विस प्रदाता द्वारा प्रदान की जाती है, और उस सर्विस प्रदाता को हम क्या कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपने देखा होगा जब भी हम कोई कनेक्शन लेते हैं तो किसी आपके सर्विस प्रदाता के माध्यम से लेते हैं, जैसे विदेश संचार निगम लिमिटेड, MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जैसे रिलायंस जियो एक तरह का आपका क्या है, ISP होता है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि इंटरनेट संबंधित सेवा को प्रदान करने वाले को क्या कहते हैं, हम ISP के नाम से जानते हैं। ठीक है, ISP सर्विस प्रदाता है। अब देखिए, इस इंटरनेट पर हमें कोई भी जो सर्विस आपकी मिलती है वो कैसे हम एक्सेस करते हैं। देखिए, इंटरनेट पर कोई भी सर्विस को काम में लेने के लिए कुछ एप्लीकेशंस या कुछ माध्यम होते हैं जिनके द्वारा कोई सर्विस काम में ली जा सकती है। तो आप एग्जाम में कई बार इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम किसी इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट पर एक सर्वर की बात होती है, तो जहां पब्लिकली सभी डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं जो www पे होते हैं, और उस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। तो www जो हम काम में लेते हैं वो एक वेब सर्वर होता है, जहां पर जितने भी पब्लिक डोमेन या फिर पब्लिक जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें शेयर किया जाता है। इसे विकसित करने वाले व्यक्ति का नाम था टिम बर्नर्स ली था। अब देखिए, इस पर्टिकुलर www पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सभी डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, वेब डॉक्यूमेंट। जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं उन्हें वेब डॉक्यूमेंट कहा जाता है, और इन सभी वेब डॉक्यूमेंट को, वेब डॉक्यूमेंट के संग्रह को हम किसके नाम से जानते हैं, वेबसाइट। मतलब इन सभी वेब डॉक्यूमेंट का संग्रह जो होता है उसे हम वेबसाइट के नाम से जानते हैं। और इन सभी वेब डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए एक भाषा का प्रयोग किया जाता है जिसे HTML कहते हैं, जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। तो सामान्य तौर पर किसी भी वेब डॉक्यूमेंट की डिजाइनिंग के लिए जो पार्ट आपका काम में लिया जाता है वो पार्ट कौन सा होता है, HTML होता है। अब देखिए, यूजर कैसे किसी भी पर्टिकुलर वेब डॉक्यूमेंट या वेब सर्विस को काम में लेता है, तो हम जो भी यूजर किसी भी सर्विस को काम में लेते हैं उस कंप्यूटर को कौन सा कंप्यूटर कहते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं। मतलब जिसके माध्यम से हमें कोई भी सर्विस मिलती है वो क्लाइंट कंप्यूटर कहलाते हैं। तो क्लाइंट कंप्यूटर पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की जाती है, और उस एप्लीकेशन को हम किसके नाम से जानते हैं, वेब ब्राउजर। देखिए, जब भी इंटरनेट पर किसी भी सर्विस को काम में लेना होता है तो एक एप्लीकेशन काम में ली गई जिसे वेब ब्राउजर कहा गया। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा किसका, गूगल क्रोम, या फिर आप लोगों ने सुना होगा फायरफॉक्स, या फिर आप लोगों ने नाम सुना होगा मैक्सथन, या फिर आप लोगों ने नाम सुना होगा सफारी का नाम सुना होगा, या फिर नेटस्केप नेविगेटर नाम से एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन काम में ली जाती है, ऐसे इंटरनेट एक्सप्लोरर।
जो इंटरनेट एक्सप्लोरर हम काम में लेते हैं वो भी एक तरह की एप्लीकेशन है जो वेब बेस है। क्या अभी लेटेस्ट विंडोज एज जो विंडोज 10 पर आधारित है वो भी वेब बेस एप्लीकेशन है। तो वेब ब्राउजर एक मीडियम है जिसके थ्रू आपके किसी भी क्लाइंट सिस्टम और सर्वर के मध्य इंटरफेस प्रोवाइड। ले यूजर कहता है कि सर मुझे उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या वेब डॉक्यूमेंट को काम में लेना है, तो उस इंफॉर्मेशन को काम में लेने के लिए यूजर या तो किसी भी एप्लीकेशन को क्या करता है, सर्च करता है, और सर्च करने के लिए सर्च इंजन का प्रयोग करता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा गूगल का नाम, एमएसएन का नाम, याहू का नाम सुना होगा, बिंग का नाम सुना होगा, ये आस्क मी जो काम में लिया गया वो ऐसा। तो बेसिकली सर्च इंजन एक यूटिलिटी है और इस यूटिलिटी का प्रयोग करके किसी भी वेब डॉक्यूमेंट को सर्च किया जाता है, और कोई भी वेब डॉक्यूमेंट को जो सर्च किया जाता है उसका रेफरेंस हमें हमेशा किसके रूप में मिलता है, हाइपरलिंक। और देखो नीले कलर के अक्षर हमें प्रदान किए जाते हैं जिन पे क्लिक करने पर हम उस पर्टिकुलर वेब पेज पे चले जाते हैं। तो हाइपरलिंक का प्रयोग बेसिकली वेब डॉक्यूमेंट को आपस में एक दूसरे से लिंक करने की आवश्यकता जो होती है उसे पूरा करता है। दूसरा जो माध्यम होता है वो किसी भी पर्टिकुलर वेब एड्रेस को, किसी भी वेब डॉक्यूमेंट को जो एक्सेस करने का तरीका होता है, किसी भी वेब डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने का जो सेकंड जो मेथड होता है वो क्या होता है, वेब एड्रेस। देखिए जितनी भी वेबसाइट होती है उन सभी वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है, मतलब असमान एड्रेस होता है, और वो असमान एड्रेस क्या होता है, वेब एड्रेस। या फिर कभी कभी हमें यूआरएल की आवश्यकता होती है जिसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। या तो आपके पास में वेब एड्रेस अवेलेबल होगा या फिर आपके पास में कोई यूआरएल अवेलेबल होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा http://www.google.com ऐसा होता है। तो यहाँ पे यूआरएल होते हैं उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे http जो होता है वो एक प्रोटोकॉल होता है, यहाँ पे गूगल जो पार्ट आता है उसे होस्ट नेम कहते हैं, ये उस वेबसाइट का नाम होता है या सर्वर का नाम होता है जिसे ढूंढ रहे हैं, और .com का मतलब क्या होता है, डोमेन। तो प्रत्येक वेबसाइट को उसके डोमेन के आधार पर परिभाषित किया जाता है कि सर ये जो वेबसाइट आप काम में ले रहे हैं ये वेबसाइट किस प्रकार की वेबसाइट होती है। जैसे आपके इस डोमेन की कहानी को भी दो तरह से डिवाइड कर दिया गया है, जैसे आपके कौन से टॉप लेवल डोमेन, या फिर अगर बात करें आपकी कौन सी डोमेन कहलाती है, आपकी कंट्री कोड कहलाता है। टॉप लेवल डोमेन में आप लोगों ने देखा होगा जैसे .com आता है जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए आता है, .co जैसे कंपनी के लिए होता है, .gov गवर्नमेंट की वेबसाइट के लिए होता है, .org किसी संगठन के लिए होता है, कंट्री कोड जैसे IN इंडिया के लिए, PK पाकिस्तान के लिए, AU ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो प्रत्येक वेबसाइट के अंतर्गत कोई भी जो डॉक्यूमेंट होते हैं या फिर कोई भी वेबसाइट होते हैं उसे आइडेंटिफाई किया जाता है उसके डोमेन के आधार पर। अब देखिए एक वर्ड काम में लिया गया यहाँ पर प्रोटोकॉल। देखिए प्रोटोकॉल जो शब्द है वो एक नियमों की एक श्रृंखला है जिसके आधार पर नेटवर्क या इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की सर्विस को प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बोल सकते हैं या नियमों की श्रृंखला बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस वाले पार्ट में जैसे वेब को एक्सेस करने के लिए एक प्रोटोकॉल काम है HTTP, जिसे क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो किसी भी वेब को एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल काम में आता है HTTP, किसी भी ईमेल को भेजने के लिए एक प्रोटोकॉल काम में आता है SMTP, जिसे क्या कहते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है। देखिए अगला जो प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है उस वाले पार्ट को FTP कहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं, जो किसी भी फाइल के लेन देन से संबंधित होता है। FTP के अलावा जो एग्ज़ाम में अभी रिसेंटली पूछा गया DHCP, जिसे हम कहते हैं डायनामिक होस्ट कॉन्फिग्रेशन
कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। देखिए इंटरनेट से जुड़ी कोई भी जो डिवाइस होती है उसे एक डायनामिक आईपी अलोकेट होती है, और ये आईपी जो होती है वो एड्रेसिंग पर्पज़ के लिए काम में आती है, जिसे डीएससीपी द्वारा अलोकेट किया जाता है। अगला जो पार्ट आता है जिसे आईपी कहते हैं, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जो भी कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े होते हैं उन्हें एक यूनिक या असमान एड्रेस से जाना जाता है, जिसे कौन सा एड्रेस कहते हैं, आईपी एड्रेस कहते हैं। ये आईपी एड्रेस अपने संस्करण के आधार पर दो तरह का होता है, IPv4 होता है और IPv6। IPv4 जो होता है वो आपके 32 बिट का होता है, और IPv6 जो होता है वो 128 बिट का एड्रेस होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें, आपके इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है अलग अलग तरह से, लेकिन हमें याद रखना है एड्रेस की कहानी। तो 32 बिट का एड्रेस IPv4 और IPv6 जो होता है वो 128 बिट का होता है। तो देखिए मेनली जो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरनेट से संबंधित, इन्हीं चीज़ों से समय। अब कुछ पर्टिकुलर वर्ड जो होते हैं वो इंटरनेट से संबंधित होते हैं, उनका मतलब हमें समझना होता है। जैसे पहला जो पर्टिकुलर पार्ट आता है उस वाले पार्ट को कहा जाता है ईमेल। देखिए इंटरनेट की सहायता से जो भी मेलिंग संबंधित कार्य करना हो, जैसे हमें डाक भेजना हो और उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जब भी भेजना होता है उस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। आपने देखा होगा आजकल हम कोई भी नोट्स या कोई भी सूचना जो भेजते हैं वो ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। तो यहाँ पे ईमेल को भेजने के लिए जैसे आपको ईमेल सर्वर की ज़रूरत होती है, जीमेल होता है, वाईमेल होता है, आपका हॉटमेल होता है, ये सब एक मेलिंग सर्वर होते हैं जिनके माध्यम से सर्विस प्रदान की जाती है। लेकिन सर किसी भी मेल जो हम काम में लेते हैं उस मेल संबंधित सर्विस को कैसे काम में लें? तो मेलिंग संबंधित कार्य करने के लिए यूज़र को एक एड्रेस की ज़रूरत होती है। इसमें एक एड्रेस होता है और उस एड्रेस को कौन सा एड्रेस कहते हैं, ईमेल एड्रेस कहते हैं। ईमेल एड्रेस आपने ऐसा देखा होगा hello@gmail.com, हमेशा एड्रेस हमेशा ऐसा ही दिखाई देगा। तो हमेशा याद रखना है कि हेलो जो पार्ट आता है इसमें क्या आता है, यूजर नेम आता है, और ये जो पूरा पार्ट आता है उस वाले पार्ट को हम डोमेन नेम कहते हैं। तो एग्जाम में कई बार आता है यूजर नेम और डोमेन नेम को विभाजित करने वाला चिन्ह कौन सा है, @ का चिन्ह होता है ये जी। इसी पार्ट में दो वर्ड और एग्जाम में कई बार आते हैं, जैसे सीसी का मतलब याद के कार्बन कॉपी, और बीसीसी का मतलब होता है क्या, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो यहाँ पर देखिए सीसी और बीसीसी दोनों का ही प्रयोग ईमेल की एक कॉपी को एक समय पे मल्टीपल रिसेप्टेंट मतलब एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को भेजने के लिए किया जाता है। देखिए अगला जो आपको वर्ड याद रखना है इस वाले पार्ट में, जिसे क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं। देखिए ई कॉमर्स का बेसिकली मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। देखिए इंटरनेट के माध्यम से होने वाली कोई भी जो व्यावसायिक गतिविधि होती है उसे ई कॉमर्स कहते हैं। आजकल आपने देखा होगा ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं, जहाँ हम किसी वस्तु को खरीदते हैं बेचते हैं, किसी सर्विस को खरीदना बेचना, ये सब ऑनलाइन मार्केटिंग या ई कॉमर्स कहलाता है। तो ई कॉमर्स की जो कहानी है उस वाले पार्ट में जैसे B2B आता है, जिस वाले पार्ट को हम कह सकते हैं बिजनेस टू बिजनेस कह सकते हैं, क्या फिर आप लोगों ने B2C का नाम सुना होगा, इस वाले पार्ट में कहते हैं बिजनेस टू आपका कंज्यूमर कह सकते हैं, या फिर आप लोगों ने C2C का नाम सुना होगा जिसे कहते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहते हैं। देखिए मेनली तीन प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि होती है। अगर किसी वस्तु या किसी सर्विस का लेन देन मतलब खरीदना या बेचना दो व्यावसायिक संगठन के मध्य हो तो उसे कहा जाता है B2B। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा किसका, इंडिया मार्ट डॉट कॉम देखा होगा। अगर किसी व्यावसायिक संगठन द्वारा किसी वस्तु या सर्विस को किसी उपभोक्ता को बेचा जाता है तो उसे B2C कहते हैं। जैसे आप लोगों ने अमेज़न का नाम सुना होगा, स्नैपडील का नाम सुना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपके फ्लिपकार्ट जो हम काम में लेते हैं वो भी एक पार्ट का B2C का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो आपकी कमर्शियल एक्टिविटी होती है,
खरीदने और बेचने वाले दोनों ही उपभोक्ता या प्रयोग में लेने वाले होते हैं तो उसे सी टू सी कहते हैं। जैसे आप लोगों ने OLX का नाम सुना होगा या फिर किसका नाम सुना होगा, क्यूकरना, ये भी ई कॉमर्स का ही पार्ट होता है। ई कॉमर्स के अलावा आपको जो टर्म याद रखनी है वो टर्म कौन सी होती है, ई बैंकिंग। इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो सब ई बैंकिंग में आते हैं। जैसे आप बैंक में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, वैसे आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या मोबाइल या पे ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं। यहाँ जो वर्ड आपको याद रखने हैं वो क्या है, OTP। OTP की फुल फॉर्म याद रखिए, वन टाइम पासवर्ड। तो किसी भी उपभोक्ता के मोबाइल नंबर पर भेजे जाने वाला एक सीक्रेट कोड जिसका प्रयोग किसी लेन देन को पूर्ण करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, OTP कहते हैं। OTP के अलावा एक वर्ड जो आता है जिसे कैप्चा कहते हैं। देखोगा आप जब भी लॉग इन करते हैं तो उस समय दिखा होगा आजकल एक डायनामिक कोड आता है जिसमें आपके अलग अलग अक्षर आते हैं या इमेज आ जाती है जिसे आपको इनपुट करना होता है, तो उसे वेरीफाई करने के लिए जो कोड काम में लिया जाता है उसे कैप्चा कोड कहा जाता है। इसके अलावा आप फुल फॉर्म याद रखिए, जैसे RTGS की फुल फॉर्म आ जाती है कभी, जिसे क्या कहते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कह सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं RTGS के अलावा NEFT, जिसे कहते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कहा जाता है। तो यहाँ पे ई बैंकिंग के अंतर्गत ऐसी कुछ टर्म्स होती है जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। देखिए ईमेल के यहाँ पे ई बैंकिंग के अलावा आपको कुछ वर्ड्स होते हैं जो इंटरनेट में काम में लिए जाते हैं, उनके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे आजकल एक पर्टिकुलर पार्ट आता है, उस वाले पार्ट को हम कहते हैं ई सिक्योरिटी कहते हैं। देखिए जैसे जैसे इंटरनेट का प्रचलन बढ़ा तो सुरक्षा एक बहुत बड़ी समस्या होती है। देखिए आज कैसे हम अपने सूचनाओं को सुरक्षित रखें, तो इन सभी सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए कुछ उपाय प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे आज किसी भी तरह के हानि पहुंचाने वाले प्रोग्रामों से बचने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, एंटीवायरस यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी तरह के आपके प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसे क्या कहते हैं, विंडोज़ डिफेंडर कहते हैं। अगर आप अपने नेटवर्क को किसी अवांछित प्रयोग से रोकना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई दूसरा बंदा प्रवेश ना करे, तो उसके लिए आप किसी नेटवर्क में क्या कर सकते हैं, फायरवॉल इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये बेसिक एक समरी पार्ट था जो कि IT से संबंधित आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, LDC में। ठीक है, आपको केवल ये जो LDC में कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित या जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस के सॉल्व करना है। ठीक है, इसी के साथ में हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं। LDC की आगामी परीक्षाओं के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं।